हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बकरों के हूफ ट्रिमिंग के ऊपर कि हमें बकरों के नाखून क्यों काटने चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बकरे के नाखून काफ़ी बड़े हैं और उसके अंदर काफ़ी गंदगी है और ये हमें बकरों के पैर में नहीं लेने देने चाहिए। इसके पैर में गंदगी से फ्रेंड्स इसको फुट की डिसीजेस हो सकती है। जो फुट डिसीजेस होती है वो नाखून में कचड़े होने की वजह से होती है या फिर गंदे पानी लगने की वजह से या फिर ज़्यादा गंदगी में रहने की वजह से इनको फुट डिसीजेस होती है। तो आप ध्यान दें कि इन्हें इनके नाखून में ज़्यादा कचड़ा ना हो। तो आपको इनकी हूफ ट्रिमिंग करती रहनी हूफ ट्रिमिंग करनी चाहिए जिससे कि उनके नाखून में कोई कचड़ा ना जाए। आप देख सकते हैं ये भाई साहब नाखून काट रहे हैं इसके, तो इसके बीच में नाखून में काफ़ी ज़्यादा जगह है खाली और जहाँ से इसे इसके नाखून में कचड़ा रहता है। तो ये अच्छे से इसको ट्रिम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा कचड़ा ना जाए इसके हूफ में। बराबर इसको कर रहे हैं ताकि देखिए आप कितना कचड़ा है उसके नाखून में। तो ये आपको नहीं रहने देने चाहिए इसके नाखून में, आपको इसको साफ़ करते रहना चाहिए ताकि इसकी कोई बीमारी ना हो। नहीं तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा देर रहेगा अगर इसके नाखून में तो इसे ये बीमारी फैला सकता है। और ये बीमारी फ्रेंड्स अगर आपको एक बकरी को हुआ तो ये आपके पूरे फार्म पे हो सकती है। ये बीमारियाँ बहुत जल्दी फैलती हैं तो इसे आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये भाई साहब कैसे काट रहे हैं। दोनों नाखून को एकदम लेवल रखना चाहिए। जैसा कि बकरा भारी वेट का हो जाता है तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, एक नाखून बड़ा या छोटा रह जाता है तो, या फिर बकरों के नाखून एक छोटे बड़े हो जाते हैं जब हम लोग नहीं ट्रिम करते हैं। तो हमें ट्रिम करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि दोनों बराबर हो ताकि दोनों जब नाखून निकले भी तो साथ में निकले, इसलिए बराबर लेवल करें आप ताकि छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो उसे बकरों को चलने में प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं ये भाई साहब कैसे बराबर एकदम उसको ट्रिम कर रहे हैं। देखिए आप, ऐसे आपको करना होता है ताकि एक छोटा एक बड़ा ना हो, आप ऐसे कर लें। और काटते वक्त थोड़ा ज़्यादा कट जाए या फिर इसमें से खून आने लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जैसा हम अपना नाखून काटते हैं तो थोड़ा खून आ जाता है, ज़्यादा कट जाता है, तो वैसा ही इनका ही है। तो आप ध्यान से काटें और कि कटे ना और बराबर काटें आप। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।